साथियों नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इस वक्त एक हॉस्पिटल का बिल बना रखा है और इस बिल को कैसे डिजाइन करें, किसी हॉस्पिटल के लिए अगर आप एक्सेल बिल तैयार करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा का पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, अपने हॉस्पिटल के लिए फील्ड्स तैयार करनी होंगी। तो मान लीजिए आपके हॉस्पिटल का नाम, यहां पे हम एक हॉस्पिटल ऐसे ही कोई नाम एक दे लेते हैं, एक्स वाई जेड मेडिकेयर हॉस्पिटल। तो हमने एक्स वाई जेड मेडिकेयर हॉस्पिटल करके दे दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें क्या करना चाहते हैं या किस तरीके का बिल बनाना चाहते हैं वो हम यहां पे डिसाइड करेंगे। अब इसके लिए हमें कुछ चीजें करनी होंगी, जैसे हम मान लीजिए पेशेंट के बिलिंग स्टेटमेंट को तैयार करना चाहते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बिलिंग स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट, बिलिंग स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट पेशेंट, ये हो गया। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, अगला काम यहां पे हम सेल पॉइंटर रखें या यहां पे भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर गैप करके रखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं, मान लीजिए बेड नंबर, बेड नंबर या वार्ड नंबर लिख सकते हैं, इस तरीके से आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले बेड नंबर लिखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कौन से बेड पर है वो, बेड नंबर। फिर उसके बाद पेशेंट नेम, पेशेंट नेम, पेशेंट नेम के बाद फिर वो पेशेंट कौन से वार्ड में है ये भी लिख लें, वार्ड, वार्ड टाइप लिख सकते हैं कि किस टाइप के वार्ड में है। जैसे अब हमारे यहाँ आईसीयू है और नॉर्मल है और अलग और कोई भी है, इस तरीके से जो भी वार्ड्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वार्ड टाइप। फिर उसके बाद एडमिट डेट, एडमिट डेट, किस दिन वो एडमिट हुआ। फिर उसके बाद डिस्चार्ज डेट, किस दिन वो डिस्चार्ज हो रहा है। फिर उसके बाद कितने दिन टोटल वो रहा है, यहां पे लिख सकते हैं यहां पे लिख सकते हैं डेज, डेज या लिविंग डेज, ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपनी इच्छा से, आप जो भी चाहें। तो चलिए हम डेज अकेले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अब यहां पे हम बनाते हैं वार्ड का क्या चार्ज हुआ, वार्ड चार्ज। फिर उसके बाद अगर हम बनाना चाहते हैं कि मेडिसिन, अगर आपकी आपकी हॉस्पिटल मेडिसिन भी प्रोवाइड कराती है तो वो मेडिसिन भी आप यहां पे टाइप करें, मेडिसिन अमाउंट, मेडिसिन अमाउंट, मेडिसिन अमाउंट कितना हुआ। उसके बाद फिर अब ये मान लीजिए आपका हो गया नंबर ऑफ डेज, हो गया कितने दिन रहा वो, फिर वार्ड, किस कौन से वार्ड, वार्ड का मान लीजिए ये वार्ड का चार्ज हो गया कितना रहा। फिर उसके बाद मेडिसिन अमाउंट कितना हुआ, फिर डॉक्टर जो उसको देखने आते हैं उस डॉक्टर की फीस, डॉक्टर फी, यहां पे लिख देते हैं डॉक्टर फी। फिर उसके बाद अब हम निकालते हैं टोटल फी, टोटल अमाउंट, या लिख देते हैं यहां पे अमाउंट। फिर आगे अगर आप डिस्काउंट भी लिखना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग डिस्काउंट भी करवाते हैं तो डिस्काउंट भी लिख लेते हैं, इस तरीके से बन गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, यहां पे सीरियल नंबर भी लगा सकते हैं जिससे आसान आपके लिए हो जाएगा, सीरियल नंबर भी लगा देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कितने टोटल पेशेंट हुए। तो अब हम इसको क्या करते हैं,
पहले तो इसको शुरुआत से कर लें और फिर यहां से लेके एंड तक इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। आप अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ नॉलेज छूट जाए। तो इसको हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद ये ऐसे एडजस्ट हो गया। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो साइज को हमने इंक्रीज कर लिया, 16 कर लिया, इसको 14 कर दिया और इसकी भी साइज को जो 11 है इसको भी हमने 13 कर लिया, 13। एंड अब हमने क्या किया, अब हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इस पर दो बार क्लिक किया तो ये देखिए ऐसे एडजस्ट हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं। तो अब यहाँ पे हम करते हैं सीरियल नंबर 1 और फिर नीचे ऐसे ड्रैग कर लेते हैं 1, 2, 3। अब जितने नंबर आपको लिखने हैं उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा ऐसे। फिर बिट नंबर, बिट नंबर मान लीजिए कि 1, बेड नंबर भी ऐसी 1, 2, 3 बेड, जितने भी बेड हैं तो वो बेड नंबर हम डाल देते हैं। तो बेड नंबर हो गया। फिर पेशेंट नाम, पेशेंट का नाम मान लीजिए ऐसे ही हम कोई नाम डाल देते हैं। ये पेशेंट नाम, नाम हमने फिल कर दिया। पेशेंट नेम हो गया, एक 10 एंट्री कर देते हैं। तो चलिए 10 ही एंट्री करते हैं क्योंकि और ज्यादा टाइम ना बढ़ाएं। तो 10 एंट्री हमने कर ली। आगे हम इस पे सारे फार्मूला लगाएंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे। अब पेशेंट का वार्ड टाइप कौन सा है, पेशेंट का वार्ड टाइप कौन सा है, वो किस टाइप के वार्ड में रहता है। जैसे हमारे यहाँ आईसीयू है, आईसीयू, और फिर नॉर्मल है, आईसीयू नॉर्मल, आईसीयू नॉर्मल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऐसे ड्रैग कर लिया ताकि जल्दी हो जाए। आईसीयू नॉर्मल, आईसीयू नॉर्मल, यहाँ पे हमने इसको भी नॉर्मल कर दिया क्योंकि इतने सारे लोग आईसीयू में रहेंगे तो बड़ी समस्या होगी। तो कुछ लोगों को नॉर्मल भी करते हैं हम लोग, आईसीयू नॉर्मल ठीक है अभी। अब फिर उसके बाद फिर आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं कि किस दिन वो एडमिट हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि मंथ हो गया, इसके पहले डेट के फॉर्मेट को थोड़ा बदल लिया जाए। पहले हम MMDD YY के फॉर्मेट पे चल के इसको सेट करते हैं। तो डेट के फॉर्मेट को सेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं, ये एरिया है जर्नल नंबर्स का, यहाँ पे आके यहाँ पे देखें तो डेट ऑप्शन मिलेगा ऐसे। तो आप कौन सा फॉर्मेट लेना चाहते हैं, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, आप कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं। तो चलिए हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मेट ले लिया और ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद हम यहाँ पे डेट लिखते हैं। मान लीजिए वो आदमी भर्ती हुआ 1 नवंबर 2023 को। तो अब हमने क्या किया, इसको ऐसे ड्रैग कर दिया तो ये हमारे सामने निकल के आ गया। अगर कोई उसी दिन फिर आता है तो उसका नाम यहाँ पे कर लें, वो आपके ऊपर है। और किस दिन डिस्चार्ज हुआ, अब डिस्चार्ज का इसी में चलिए हम, मान लीजिए वो 5 दिन 7 दिन भर्ती रहा, 8 दिन भर्ती रहा, 7 दिन भर्ती रहा। तो फिर उसके बाद ऐसे ही इसको भी हम बढ़ा लेते हैं या नहीं भी बढ़ाते कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 1 तारीख को ही भर्ती हुआ, सॉरी ये मान लीजिए 10 को भर्ती हुआ और फिर ये निकला कितने को, 16 तारीख को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेट ले लिया। फिकल कितने दिन वो हॉस्पिटल भर्ती रहा ये निकालने के लिए इक्वल करिए और डिस्चार्ज डेट और माइनस कर दें, माइनस लगाएं, फिर उसके बाद एडमिट डेट, जिस दिन वो एडमिट हुआ उसका पहले तो डिस्चार्ज, किस दिन वो डिस्चार्ज हो रहा है और किस दिन एडमिट हो रहा, दोनों को माइनस कर दे तो पता चल जाएगा कि वो, अब इसको ड्रैग कर दे तो यहां से पता चल जाएगा कि वो कितने दिन भर्ती रहा।
जैसे मान लीजिए कि सबका 6 ही निकल के आया, इसको मान लीजिए 10 को रिलीज किया गया, तो ये एक जीरो और लग गया, तो जीरो को हटा दें तो डेट सही हो जाएगी। 8 दिन भर्ती रहा, और फिर ये मान लीजिए 12 को रिलीज हुआ, और फिर ये 11 को रिलीज हो गया, और फिर ये 10 को ही रिलीज हो गया, एक ही दिन रहा। अब उसके बाद अब हम यहाँ पे निकालते हैं वार्ड से रिलेटेड चीजें, जैसे कि अब हम पता करेंगे कि आखिर वो व्यक्ति जो भर्ती हुआ वो कौन से वार्ड में रहा या उसका वार्ड चार्ज क्या हुआ। तो अब हम उस व्यक्ति का वार्ड चार्ज यहाँ पे निकालेंगे। वार्ड चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे अब यहाँ पे लिख सकते हैं वार्ड चार्ज। तो अब जैसे वार्ड चार्ज निकालना है कि वार्ड का चार्ज क्या हुआ, तो इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंडीशनल फार्मूला अप्लाई होता है, और कंडीशनल फार्मूला जो होता है वो इफ होता है। तो इक्वल, सबसे पहले इक्वल देंगे, बिकॉज एक्सेल में जब भी आप फार्मूला इनपुट कर रहे हो तो इक्वल का ही सिंबल देना होगा, इक्वल इफ। देन उसके बाद फिर लॉजिक, लॉजिक कहां से लेना है आपको, तो लॉजिक हमें इस सेल से लेना है, D5 से। फिर उसके बाद इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद डबल कामा में हमें लिखना है आईसीयू। क्यों लिखना है, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए, जो भी आईसीयू वार्ड में हो उनका क्या चार्जेस है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो आईसीयू। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अगर आईसीयू का चार्ज भी आपने बनाया होता तो आपके लिए थोड़ा और आसान होता, आपको यहाँ आईसीयू का चार्ज नहीं लिखना पड़ता, लेकिन चलिए हम यहाँ पे आपको ऐसे ही आईसीयू का चार्ज लिख के दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, आईसीयू किसमें लिखा हुआ है, आईसीयू इस सेल में है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के जिस सेल में आईसीयू का वो व्यक्ति जितने दिन हॉस्पिटल में रहा उस डे को सेलेक्ट करते हैं। देन गुड़े का निशान लगाएंगे, एक्सेल में गुड़े के लिए एस्टिक का यूज किया जाता है, एस्टिक, तो हमने एस्टिक लगाया। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ जो आईसीयू का चार्ज है वो 7000 रुपए पर डे का है, तो 7000। फिर अब हमने क्या किया, ये तो हमने पहले का आईसीयू का निकाल लिया, अब हम चाहते हैं नॉर्मल बेड चार्ज, अगर आपके यहाँ और भी कोई स्पेशल फैसिलिटी है तो वो भी ऐसे ही सेम ऐड करेंगे। आइए हम देखते हैं, अब हम कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद इफ लगाएंगे, और फिर ब्रेकेट ओपन करेंगे, फिर से हमें क्या करना है, सेम वही फार्मूला अप्लाई करना है, इक्वल सेम सॉरी ये हमें लेना है वार्ड नंबर, फिर इक्वल लगाना है, फिर डबल कामा में हमें क्या करना है, डबल कामा में लिखना है नॉर्मल, फिर डबल कामा क्लोज करना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर हमें रिजल्ट किससे चाहिए, G5 से, कि वो कितने दिन रहा, तो G5 का फिर से आप गुणा करें। आपके यहाँ नॉर्मल बेड चार्ज मान लीजिए आपका 1500 रुपए का है, तो आपने 1500 दे दिया, दो बार हमने ब्रेकेट लगाया है, ओपन किया है, तो दो बार ब्रेकेट को क्लोज करेंगे। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, अगर ये व्यक्ति आईसीयू में रहा तो इसका बेड चार्ज ये हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, और उसका मेडिसिन चार्ज क्या हुआ। अभी जैसे मान लीजिए कि यहां पे डेट कोई और हो जाती तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये 17 तारीख को डिस्चार्ज हुआ, तो ये देखिए डेट अपने आप अमाउंट बढ़ जाएगा। और इधर अब ये मान लीजिए कि ये 9 की जगह पे कितने तारीख 3 को एंटर हुआ है, तो 2 को ये डिस्चार्ज हो गया है, तो 2 को, तो अमाउंट इस तरीके से, सॉरी 2 3 को एंटर किया तो 4 5 को निकल गया, तो 5 को निकल गया, तो उसका बेड चार्ज ये होता है। अब हमने क्या किया, मेडिसिन चार्ज कितना रहा, मान लीजिए मेडिसिन चार्ज जो आईसीयू में रहा इसका मेडिसिन चार्ज आया 70,000 रुपए, और इसका नॉर्मल, इसका मेडिसिन चार्ज जो आया वो आया 2000 रुपए, फिर उसके बाद इसका मेडिसिन चार्ज आया 5000 रुपए, फिर इसका आया 9000 रुपए, फिर उसके बाद इसका आया
45,000, फिर 35,000, 9,000, ऐसे ही हमने क्या किया कि यहां पे जिसका जो भी अमाउंट बना वो अमाउंट को हमने एंटर कर दिया। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, डॉक्टर की फी ऐड करनी है। अब डॉक्टर की फी कितनी होती है, तो डॉक्टर की फी मान लीजिए कि आपके यहां जो डॉक्टर आते हैं उनकी फी 2,000 रुपए पर डे की है, 2,000। आईसीयू के डॉक्टर की फी 2,000, तो जहां जहां पे आईसीयू है वहां वहां पे इस 2,000 को फिल कर दें आप, 2,000। तो और उसके बाद नॉर्मल डॉक्टर की फी जो है वो 1,000 रुपए है, तो हमने 1,000 ऐड कर लिया। ये इस तरीके से। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है, अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट टोटल कितना हो गया, तब इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल करना है। सबसे पहले तो वार्ड चार्ज, फिर प्लस करना है मेडिसिन चार्ज, प्लस करना है और डॉक्टर फी एंटर करना है, इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया। टोटल अमाउंट इतना हुआ। अब डिस्काउंट इस व्यक्ति ने कितना करवाया, तो यहां सबका डिस्काउंट एक बार हम जीरो लिख देते हैं, देन उसके बाद फिर डिस्काउंट करेंगे। एक बताते हैं टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट उस व्यक्ति का कितना हुआ ये भी हम यहीं से आज निकाल लेंगे, और उस व्यक्ति का टोटल अमाउंट कितना हो रहा है वो भी आज हम यहीं से कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अब यहां पे टोटल अमाउंट तो इक्वल करना है, ये माइनस, मतलब अमाउंट जो हुआ उसमें माइनस डिस्काउंट कर दो, जो भी आएगा वो टोटल अमाउंट होगा। अब मान लीजिए कि इसने 14,000 रुपए का डिस्काउंट लिया और इसने कोई डिस्काउंट नहीं लिया, इसने भी कोई डिस्काउंट नहीं लिया और इसने 9,000 रुपए का डिस्काउंट लिया। इस तरीके से इसने भी 25,000 का डिस्काउंट, 2,500 का डिस्काउंट लिया और इसको भी हमने 7,000 का डिस्काउंट दिया, तो ये इनके चार्जेस हुए। बहुत ही आसानी के साथ आप पूरा का पूरा सेल निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप किसी हॉस्पिटल के लिए बिल तैयार कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे यहां पे हम मान लीजिए कि ये कलर अप्लाई कर देते हैं और ये कलर, फिर यहां से आके इसको हमने ग्रीन कलर कर दिया और टेक्स्ट के कलर को येलो देखते हैं, येलो कर दिया। और उसके बाद फिर हमने इस पे क्या किया, इस पे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इस पे हमने ऑल बॉर्डर अप्लाई किया। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके इसको सेंटर में कर दिया और सेंटर, अब इसको भी हम ऐसे ही सेलेक्ट करके, जैसे ये है तो इसको भी आप सेंटर कर सकते हैं, जहां पे डेट लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा हुआ है, उसको आप सेंटर कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा आपको दिखने लगेगा। तो अब आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका जो मेडिकल हॉस्पिटल का आपने पूरा का पूरा, इसको हम पोर्ट्रेट कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे, ये आप अपने हॉस्पिटल का पूरा बिल निकाल सकते हैं और पूरे के पूरे पेशेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और ये एक यूनिक फार्मूला था, इसमें मैंने आपको लगभग सभी फार्मूले बताए जिनका आप यूज एक्सेल में कर सकते हैं एक बिल को तैयार करने के लिए। और इनको हम थोड़ा थोड़ा अगर चाहें तो, जैसे अभी ये डेट है, डेज है, तो इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं ताकि हमारे ये जो बचे हुए जो कंटेंट है जो पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं वो भी एडजस्ट हो जाए। तो जैसे ये अभी काफी बड़ा है तो इसको भी आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पूरा एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर आप देखें तो आपका पूरा का पूरा बिल किस तरीके से प्रिंट होगा, हम आपको एक बार प्रीव्यू करके दिखाते हैं।
तो आपका बिल कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।